उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती जिले के मुख्यालय भिंगा पहुंचे, जहां पर सीएम ने जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर श्रावस्ती और बहराइच के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को उन्होंने सख्त आदेश दिए कि जिले के विकास कार्यों में स्थिरता मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि जिले के सभी मार्ग आगामी 30 नवंबर तक पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त हो जाने चाहिए। वहीं विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी समीक्षा सीएम ने की। सीएम ने बहराइच की समीक्षा के दौरान चिल बरिया चीनी मिल द्वारा किसानों को महज 27% भुगतान किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने मिल पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। सीएम ने थारू जनजाति के लोगों को प्रधानमंत्री आवास से लामंत्रित करने के भी आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। सीएम के कार्यक्रम की कवरेज पर डीएम ने मीडिया को दूर रखा। डीएम ने ना तो मीडिया का पास बनने दिया और ना ही उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ही जाने दिया। समीक्षा बैठक की कवरेज पर डीएम द्वारा मीडिया को रोके जाने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार को कहीं मीडिया मुख्यमंत्री के सामने उजागर न कर दे और मुख्यमंत्री द्वारा किसी को फटकार लगाते हुए मीडिया के कैमरे में कहीं ये नज़ारे कैद न हो जाएं। भारतीय संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया को इस तरह से रोकना एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी आज बहराइच और श्रावस्ती की समीक्षा बैठक करने आए थे और उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो जिस मानक पे चलनी चाहिए चल रही कि नहीं चल रही। 50 लाख से ऊपर के जो कार्य स्वीकृत हो गए हैं उनकी प्रगति क्या है, पात्र गृहस्थी के कार्डों की क्या पोजीशन है, आयुष्मान भारत की क्या पोजीशन है, सिंचाई में नहरों की सिल्ट सफाई का क्या कितनी प्रगति हुई है और जो नई नहरें बन रही हैं उनमें कितनी प्रगति है। उन्होंने इस पे सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं भी अब दोबारा कोई भी कार्य समय पे अगर नहीं पूरा होता है तो उस पे FIR तुरंत कराई जाए और ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जो जानबूझ करके रिवाइज इस्टीमेट फिर से करते हैं। इसलिए जो है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो समय पे कार्य नहीं पूरा करते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मंत्री जी काफी समय तक वहाँ पे समीक्षा बैठक हुआ है, अधिकारी वहाँ कार्रवाई किसी पे नहीं है? नहीं, कार्रवाई किसी पे नहीं हुई है, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि जिससे कि किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई की जा सके, लेकिन जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको कमी को पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। खासतौर से बहराइच और जनपद श्रावस्ती के विकास कार्यों पर माननीय मुख्यमंत्री ने प्रकाश डाला और उस पर एक्शन भी लिया और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जनपद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी अनियमितता थी, उस पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जो हमारा ये जो CMO श्रावस्ती है ये हफ्ते में 3 दिन तो लखनऊ रहता है, अपना ट्रांसफर हो पाता है, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको हटाई दीजिए या तो इसको परमानेंट कर दीजिए, लेकिन ये कम से कम हफ्ते में 3 दिन लखनऊ तो न पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े चेचक भी यहाँ देखा गया है, कई कई गांव में फैल गया है, ऐसी स्थिति में ये कुछ काम नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज़ जब मैंने यहाँ की सड़कों के विषय में कहा, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ की सड़कें जैसे लक्ष्मणपुर मार्ग, आपका आपका गंगा से राजपुर मार्ग, हमारे गंगा से सिमरी मार्ग और खंडौरा से सिमरी मार्ग और जमनाहा से लेकर बहराइच मार्ग बहुत ज़्यादा जर्जर है। उन्होंने सीधे हमारे PWD के एक्सएल को खड़ा किया और कहा कि एक जनप्रतिनिधि सारी सड़कों के विषय में उसको जानकारी है और आपको जानकारी नहीं है, 30 नवंबर तक सारी सड़कें गड्ढा होनी चाहिए और उसको वहाँ से निराकरण होना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने किन बातों पर बल दिया? लेकिन उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल डिस्ट्रिक्ट हमारा जनपद श्रावस्ती और आपका ये बहराइच है, ऐसे स्थिति में यहाँ पर ऐसे जिलों को आपको बहुत ही संवेदनशील के तरीके से नहीं बल्कि भाईचारे के हिसाब से लोगों को मीटिंग करिए, बैठाइए, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। 3 जिले जो हमारे मंडल के 3 जनपद आते हैं वो उसमें बहराइच है, श्रावस्ती है और बलरामपुर है, इसको विशेष रूप से आप विशेष रूप से कानून व्यवस्था के बीच में जैसे कि कानून व्यवस्था में मैंने बहराइच में मैंने माननीय महाराज जी से योगी जी से मैंने कहा
2017 में मेरे परिवार के साथ एक रूप हुआ था और पुलिस टीम के ऊपर भी उन अपराधियों ने हमला किया था जिस पर पुलिस विभाग के लोगों ने 307 कांड किया था। आज डीआईजी साहब मौजूद है, उनके ऊपर नियमानुसार गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए और उसको माननीय जी हमारे आपके एसपी बहराइच और हमारे डीआईजी साहब ने कहा कि इस पर कार्रवाई हर हालत में 24 घंटे के अंदर हो।